हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू हर किसी को पसंद होते हैं, पर घर पे मार्केट जैसे लड्डू नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसके आप घर में बैठे बैठे मार्केट के जैसे टेस्टी टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी घी, और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए मैं यहाँ पे 2 कटोरी बेसन डाल दूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम नॉर्मली घर पे जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं तो सूजी को कंटिन्यूसली उसको भूनते रहते हैं, तो हमें इसको भी ऐसे कंटिन्यूसली भूनते रहना है ताकि नीचे ना लगे। हम इसे तब तक फैलाते रहेंगे जब तक हमारा बेसन घी ना छोड़ दें। और हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। ये देखिए हमारा बेसन हल्का हल्का घी छोड़ने लग गया है। अब इस स्टेज में हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज में मैं यहाँ पे 1 कटोरी पानी ऐड करूँगी। पानी डालने से हमारे बेसन के लड्डू जो है दानेदार बनते हैं। अब इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हम तब तक चलाएंगे जब तक इसके बबल्स कम ना हो जाए। ये देखिए हमारे बेसन में बिल्कुल भी बबल्स नहीं है, बबल्स एकदम ख़त्म हो गए हैं। अब इस स्टेज में हम इसको अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बाउल में निकाल लिया है और 5 से 10 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मेरा बेसन अब ठंडा हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच इलायची पाउडर मिलाऊंगी और 1.5 कटोरी हम यहाँ पे चीनी का बूरा ऐड करेंगे। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़े कटे हुए बादाम ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके गोल गोल लड्डू बनाना शुरू करेंगे।
सो फ्रेंड्स, हमारे बेसन के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनमें टॉप में थोड़ा सा बादाम ऐड कर लूँगी डेकोरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना। एंड फॉर मोर रेसिपीज़ प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।